अमेरिका उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम पर पाबंदी लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। यहाँ तक कि ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उत्तर कोरिया पर सख्त पाबंदी लगाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है। अब भारत ने भी उत्तर कोरिया के हाल ही के मिसाइल परीक्षणों पर गहरी चिंता जताई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इनसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। चीन और उत्तर कोरिया के बीच करीबी के मद्देनजर भारत के बयान को काफी अहम माना जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए उत्तर कोरिया की कोशिशें और तकनीकी के प्रसार से जुड़े लिंक अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया और चीन की नजदीकियों के बारे में पूरा विश्व जानता है। अप्रैल में उत्तर कोरिया के अमेरिका को धमकी देने के बाद यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन उत्तर कोरिया पर लगाम लगाए वरना अमेरिका अकेले प्योंगयांग से निपट लेगा। वहीं माना जा रहा है कि भारत ने भी उत्तर कोरिया की खिंचाई करते हुए इशारों में चीन पर भी निशाना साधा है। कोरियाई युद्ध के समय से ही चीन उत्तर कोरिया को बराबर मदद देता आया है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका की जांच में सामने आया था कि चीन गैर कानूनी तरीके से उत्तर कोरिया के कुछ बैंकों को आर्थिक मदद पहुंचा रहा है जो पहले से ही प्रतिबंधित है। अब भारत का उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब चीन पर सीधा सीधा दबाव बनेगा। टीम इंडेलिंग्स।